को थाना उभाव पुलिस ने बेलथरा रोड स्थित नजदीक की 6 अंतरराज्यीय अपराधियों को पकड़ लिया। इनमें 4 पुरुष और 2 महिला अपराधी शामिल हैं। मौके पर अपराधियों के पास से 54,000 रुपए नगद, 3 चाकू और चोरी किए गए 5 फोन बरामद किए गए। थाना उभाव के SOG और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने इन अपराधियों को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक सभी 6 अपराधी अंतरराज्यीय गिरोह के सदस्य हैं। इनके खिलाफ इससे पहले कुल 7 मुकदमे दर्ज हैं। आज पुलिस ने इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। अभियुक्तों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि ये लोग गोरखपुर में किराए के मकान में पिछले 1 साल से रहते हैं। गोरखपुर से ही ट्रेन और बस से दूसरे जनपदों में जाकर फेरी करके सामान बेचते हैं। इस दौरान ये लोग दुकानों और अन्य जगहों पर चोरी करते हैं। पुलिस ने बताया कि इसी गिरह के लोगों ने बीते महीने 2 तारीख को बेलथरा रोड तहसील के पास खड़े मोटरसाइकिल की डिग्गी से 45,000 रुपये चोरी किया था। उसके बाद 7 तारीख को आज़ाद चौक गोरखपुर के पास इंडियन बैंक पर खड़ी मोटरसाइकिल की डिग्गी से 40,000 रुपये की चोरी किया। फिर 24 तारीख को देवरिया से साइकिल में टंगे झोले में रखे 30,000 रुपये की चोरी की थी। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक ज्ञानेश्वर मिश्रा, उप निरीक्षक संजय सरोज, उप निरीक्षक राजेश कुमार, उप निरीक्षक राघव राम यादव, राकेश यादव, SOG टीम के अनूप सिंह और अतुल सिंह शामिल थे। SOG और सर्विलांस टीम ने जिन अपराधियों को गिरफ्तार किया है वे सभी मूल रूप से मध्य प्रदेश के राजगढ़ के रहने वाले हैं। सभी गिरफ्तार अभियुक्तों को जिला अदालत ले जाया जा रहा है। इनमें शालू, अमन, कालू, राज, मंदाकिनी और अंजलि शामिल हैं।